हेलो बच्चों, के फिजिक्स क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आपको बताते चले कि आज बोर्ड ने 10th और 12th के बच्चों के लिए एक नई अपडेट जारी की है, जिसके ज़रिए वो बताना चाहा है क्या जो भी बच्चे इस बार 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो CBSE बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो या ICSE बोर्ड से हो, तो सभी के लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि पहले जो अटेंडेंस की सुविधा थी उसकी सिस्टम बदल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हाजिरी जो बनाने की सुविधा पहले थी वो अब बदल चुकी है। पहले हाजिरी अटेंडेंस पेपर पे बनता था, जबकि अब बायोमेट्रिक मशीन द्वारा बनाया जाएगा। जैसे हम लोग फिंगर स्कैन कहीं पर करते हैं, जस्ट लाइक वही रहेगा, फिंगर मशीन के द्वारा सभी बच्चों का हाजिरी बनाया जाएगा, जो सभी बच्चा के लिए सुविधाजनक होंगे, जो सभी स्टूडेंट के लिए सुविधाजनक होंगे। साथ ही आपको बताते चले कि आज से कुछ दिन पहले CBSE बोर्ड के बारे में एक फर्जी अफवाह उठा था। वो अफवाह यह था कि बच्चे को प्रत्येक पेपर में 23 मार्क्स ही अनिवार्य होंगे पास करने के लिए, बट ये अफवाह बिल्कुल गलत है। बोर्ड ने ऐसी कोई अपडेट जारी नहीं की है। तो आपको बताते चले कि अभी भी CBSE के बोर्ड के बच्चों के लिए प्रत्येक पेपर में 33 नंबर लाना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, 33 नंबर लाना अनिवार्य है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 23% करके लिखा हुआ है, जो बिल्कुल फर्जी है। वही बोर्ड ने दिखाना चाहा है कि 33 नंबर अभी भी लाना अनिवार्य है। उसके साथ ही आपको बताते चले कि जो बच्चे सपोज़ कर लीजिए कि तीन पेपर में फेल भी कर जाते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा पेपर की मदद से पास कर दिया जाएगा। ये बोर्ड की फैसला है, बोर्ड ने ऐसा जारी किया है, क्या बताया है क्या, जो भी बच्चे किसी एक पेपर में फेल कर जाते हैं तीन पेपर में से, तो उनको एक्स्ट्रा पेपर की सहायता से पास कर दी जाएगी जी। और साथ ही आपको बताते चले कि इस बार की जो एग्ज़ाम होगी उसमें फिंगर लगाने की मशीन से आपका अटेंडेंस जारी किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन सिस्टम को किया गया ऐलान, जैसा कि आप देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही अपडेट और सही बातें हैं, इसमें कोई अफवाह नहीं है। तो यदि आप मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे कि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू।